Hello everyone, welcome back to an official channel of Broadway A2E Academy. My appellation is Dipali and today I'm going to discuss with you about 8 words. 8 words ke baare mein aaj hum baat karenge, which can be used to enhance our IELTS speaking. Not only speaking but writing too. हम IELTS speaking और writing दोनों ही improve कर सकते हैं. जैसे कि first word से हम start करते हैं. First word is diverse. जैसे कि हमें पता है हम different तो use करते ही हैं अपनी speaking में, अपनी writing में, but different के अलावा हम word use कर सकते हैं diverse. उसके बाद another word we have is eminent, right? Eminent. Eminent means the person who is famous. जो भी persons famous हैं, popular हैं, उनके लिए हम words use कर सकते हैं eminent. For example, all the movie actors, stars, they all are eminent personalities, prime minister, president, they all come under eminent word. Okay? Your third word is contemporary. Contemporary ka matlab hota hai present time, modern, complex world. जैसे कि हमें पता है कि आजकल का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है as compared to the past. That is why we can also use, instead of modern world, we can use contemporary, right? Another word is, that is the fourth one, jubilant. Jubilant can be replaced with the word happy. अगर कोई person happy है, तो उसके लिए हम word use कर सकते हैं, jubilant. Next, fifth word is serene. Serene means calm. आपको स्पीकिंग में क्वेश्चंस आ जाते हैं, व्हाट टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर यू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम. किस तरह के एटमॉस्फेयर में आप टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो ऑलमोस्ट आंसर होता है वी रिक्वायर काम प्लेसेस. काम प्लेसेस दैट मींस वी रिक्वायर सीरीन एनवायरनमेंट. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज बीविल्डर्ड. बीविल्डर्ड इज अ वर्ड विच कैन बी यूज्ड फॉर कन्फ्यूजिंग सिचुएशंस. जैसे कि कंफ्यूज रहते हैं कोई पर्सन, कंफ्यूजन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं bewildered. Another one is nostalgic. Sometimes हमें स्कूल मेमोरीज पे, कॉलेज मेमोरीज पे, या कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसी इक्विपमेंट जो हमारे घर पे पड़ी है उसके रिगार्डिंग हमें बोलना होता है, तो उस लिए जो ओल्ड मेमोरीज को डिपिक्ट करे उनके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं नॉस्टैल्जिक मेमोरीज. नॉस्टैल्जिक मेमोरी मींस ओल्ड एंड प्रीशियस मेमोरीज. ओके, एंड अनदर वन विच इज़ द लास्ट वर्ड एंड दैट इज़ मैरिली. मैरिली और वी कैन ऑल्सो प्रोनाउंस इट एट मेयरली. इसका मतलब है ओनली. जब हम लिखते हैं ना कि ओनली सॉल्यूशन यू लेफ्ट विद, कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, तब हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं मैरली. ओके, तो अगर आपको भी इस तरह से कॉमनली यूज होने वाले कुछ वर्ड्स पता हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और अपने डाउट्स को भी. थैंक यू.